हूं आपके साथ प्रिया, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबी को इस मामले की जांच के लिए 3 महीने का और वक्त दिया है। 24 मामलों में से 22 को जांच पूरी हो गई है और इन बचे हुए 2 मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय ने सीबी को फिलहाल 3 महीने का समय और दे दिया। कोर्ट ने कहा है कि सेबी की अब तक की जांच में कोई खामी नहीं पाई गई है, यानी प्रशांत भूषण सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज कर दिया। अडानी मामले में कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में एफबीआई नियमों की जुड़ी कोई अनियमितता नहीं पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीमित अधिकार हैं जिनके बेस पर जांच की गई है। सेबी के रेगुलेटरी ढांचे में प्रवेश करने की कोर्ट की शक्ति सीमित है, यानी अदालत सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेबी के जांच नियमों में कोई खामी नहीं और सेबी की बजाय एसआईटी को इस मामले की जांच नहीं सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया कि अडानी मामले की जांच को सेबी से लेकर के एसआईटी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने पिछले सुनवाई में कह दिया था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के कोई ठोस सबूत नहीं है और आज कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि सेबी की 22 मामलों में की गई अब तक की जांच सही है, ना तो एसआईटी और न ही सीबीआई, और इस मामले की जांच सौंपी जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो ये सेबी के साथ अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।